पहली बार मैं अपना वादा नहीं निभा पा रहा हूं। मैं फंस गया। मेरी बेटी आपके बेटे से शादी नहीं करेगी। लेकिन तुमने तो मुझे जबान दी थी, अपना किया हुआ वादा तुम कैसे भूल गए भानु? जब वादा किया था तब बात कुछ और थी, अब बात कुछ और है। उम्मीद है कि आप मेरी मजबूरी को समझेंगे। भूमि ने अपना फैसला कर लिया है, अगर तुम्हारे साथ शादी हुई तो वो खुश नहीं रहेगी और ना ही तुम खुश रह पाओगे। खुश रहने के लिए तुम्हारी बेटी को क्या चाहिए? वही ना जो हर लड़की की तमन्ना होती है। उसका बदन गहनों से सजा दूंगा, 1 महीने में उसके पाव भारी कर दूंगा और 9 महीनों बाद तुम्हारा पोता तुम्हारी गोद में होगा। और अगर उसने अपना मुंह काला कर दिया है तो उसे मार दूंगा। अपने दिमाग से यह ख्याल निकाल दे कि मैं तेरी इज्जत करता हूँ। मैंने उसे बचपन से चाहा है, मैं उसे किसी और की बाहों में नहीं देख सकता। साले तूने ये सोच भी कैसे लिया कि तू मुझे इनकार कर देगा और मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा? जो तेरे दिमाग में चल रहा है वही इस वक्त मेरे दिमाग में भी चल रहा है। खत्म कर दूंगा। आइंदा इस घर के किसी भी आदमी को हाथ लगाने की कोशिश की ना तो खाने और धोने के लिए सिर्फ एक ही हाथ बचेगा। सुन, तेरे बेटे ने मेरे गिरेबान में हाथ डाला फिर भी तू देखता रहा। अब समझा, जो मेरे अपने थे वो तो पराए निकले और जो पराया था वो मेरा अपना निकला। अब तक तुम सोचते थे कि तुम्हारा बेटा मेरी जायदाद का वारिस बनेगा, तो अब तुम सुन लो, आज से ये लड़का मेरा वारिस होगा, ये मेरा दामाद होगा। एक अजनबी पर भरोसा करके मुझसे दुश्मनी करने के लिए तैयार हो गए? सिर्फ तुम पर भरोसा करके मैंने अपने भाई को छोड़ दिया। इस लड़के ने मुझे सिखाया कि रिश्तों की क्या पहचान है। मैं अभी उसके घर जा रहा हूं। आज मैं अपने भाई के घर जाऊंगा और उसको इस घर में ले आऊंगा। ए, गाड़ियां निकालो। अच्छा, सामने कोई मुखिया नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई खड़ा है। सुना सबने, इन्होंने मुझे भाई बोला। Oh, 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 oh.
भैया, मेरी बेटी आई है। ये लक्ष्मी के बहन की लड़की है और हमने इसे गोद लिया है। अब ये मेरी सगी बेटी है, मेरी जिंदगी है। कृष्णा, हाँ, इधर आ। बेटा, इस घर का दामाद है ये। कृष, इंदु, ये तुम्हारी बहन भूमि। पता नहीं ये भूमि को कहाँ मिल गया, हीरा है ये। तुम ये खुशियां जो देख रही हो ना, इसी का जादू है। कृष्णा, भूमि के साथ तुम्हारी सगाई इसी हफ्ते होगी। शौक लगा? बुरा मत मानना जब तुमसे पूछे बगैर हमने फैसला कर लिया। इस खुशी के मौके पर हमने सोचा कि तुम दोनों की शादी करवा दे। अपने पेरेंट्स को बुला लो। बहुत हुआ कृष, सोचा था तुम्हें बॉयफ्रेंड बनाऊंगी और जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी घर वालों की नजरों से बचाते हुए तुम्हें वापस भेज दूंगी। लेकिन हम अपने ही बनाए हुए जाल में लगातार फंसते चले जा रहे हैं। नहीं कृष, मैं डैडी को सब सच बता दूंगी। ये मुमकिन नहीं। लेकिन वो सगाई की बात कर रहे हैं कृष। पर वो शादी की बात तो नहीं कर रहे हैं ना। अगर तुम उन्हें सच बता भी दो और वो हमारी शादी के लिए तैयार हो जाए तो चलो अभी बता देते हैं। भूमि, तुम्हारे पापा बहुत खुश हैं, दोनों परिवार बहुत खुश हैं, दोनों गांव बहुत खुश हैं। अगर तुमने सच बता दिया तो सारी खुशियों पर पानी फिर जाएगा। भूमि, ये नाटक उनकी खुशियों के लिए शुरू हुआ था, इसे इस तरह से खत्म करना ठीक नहीं होगा। भूमि, क्या कहते हो, मैं सही हूँ ना? अरे क्या सोच रहे हो? अब क्या करूँ? पहले सोच रहा था पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कुल्हाड़ी पर ही जाकर पैर मार के आया हूँ। अरे यार, किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही हो? नहीं जानती थी ये तुम्हारी बहन है? हाँ यार, कसम से मुझे नहीं पता था ये किस परिवार से है। अगर मुझे पता होता तो क्या मैं तुम्हें इसके साथ भेजती? अरे यार, मैं इतनी अच्छी लाइफ जी रहा था, कहाँ लाकर मुझे फंसा दिया। अब तुम्हारे बाप को मैं, बाप रे बाप, मेरा बाप। हाँ डैड। एंजॉय तो कर रहे ना? एंजॉय? अरे एंजॉय तो ऐसा कर रहा हूँ डैड, जिंदगी में कभी किसी ट्रिप पर मैंने इतना एंजॉय नहीं किया है। वैसे कहाँ हो तुम? नायग्रा वाटरफॉल्स देख रहा हूँ डैड। जल्दी से घर आ जाओ। आता हूँ डैड। अरे हाँ, उन्होंने तो तुम्हारे मम्मी पापा को भी यहाँ बुलाया है, अब क्या करोगे? मेरा तो भेजा फ्राई हो गया है। एक आइडिया है मेरे पास, तुम्हारी तरह तुम्हारे पेरेंट्स को भी भाड़े पर ले आते हैं। तुम्हारे दिमाग में आइडिया आते कहाँ से? जितना किया कम नहीं था? यही है मेरे डैड। कल लग जा। मेरे दोनों बाप। तू कहाँ गायब हो गया था रे चुन्नू? ये उसकी चुम्मी क्यों ले रहा है? मुंह से बात आ रही है। मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे काले। यार चश्मा लगाया तो बेटे को नहीं पहचाना? आप मुझसे नाराज है ना, मैं बिना बताए यहाँ जो चलाया। अबे तू मेरा बेटा है, उसकी शक्ल तो मुझसे ज्यादा मिलती है। अबे तू अपनी अक्ल मत लगा, जितना कहा है उतना ही कर। यार जूनियर आर्टिस्ट हूँ ना, ओवर एक्टिंग कर बैठा। वेरी गुड, कम ऑन डैडी, गोली सामान ले आ। डैडी, डैडी।
नमस्ते। आपका सफर अच्छा रहा ना? सफर कैसा रहा आपका? खाना खाया नहीं, नहाया कि नहीं? टिपिकल इंडियन फैमिली वाले सवाल। आस्क समथिंग न्यू मैन। वापस कब जाओगे? डैडी यही मेरी यही तुम्हारी शीला है, राइट? राइट। और ये है फादर बाई लॉ। करेक्ट। और ये है लड़की का भाई। मारूंगा। नहीं नहीं, मैं इनका भाई हूँ। किसी के तो भाई हो ना, कहीं एरिया के भाई तो नहीं? डोले छोले अच्छे बनाए। अरे नहीं नहीं, वो रोज सुबह सुबह कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता हो ना, इसलिए डोले बन गए। अच्छा, तो कारपेंटर का काम करते हो? अरे सुनिए, आप भी कुछ कहिए ना बहन। कुछ बोल। इनके रहते हुए मैं क्या कहूँ, हमेशा एक ही डायलॉग चिपकाती है। ये लड़की आपकी दूसरी बेटी ना? बोल रहा है। गलत, ये मेरी बेटी है। शक्ल से विलन लगता है। देख मेरा जादू, इसकी पूछ में आग लगाता हूँ। तुम्हारी लड़की भी तो शादी लायक है, मेरे बेटे जैसा उसे कोई मुन्ना भाई क्यों नहीं मिला? मांगलिक है क्या? और आग लगाऊं? अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, बेटा पूरा बाप पे गया है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है इंदु? मैं समझी नहीं। अरे वही जो शहर में अपने माँ बाप के साथ रहता है, उसे बुलाओ ना यहाँ। अच्छा वो मैं बस। अरे मैं खुद कह रहा हूँ ना, उसे बुलाना। तू वो मुझे नाराज होकर मुझे छोड़कर भाग गया। कोई इस घर की लड़की को दुख देने की हिम्मत नहीं कर सकता, फिर उसके क्या बेसात। मैं उसे कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। ये तो इनकी फैमिली प्रॉब्लम है, तेरी शक्ल में बारह क्यों बज रहे? चले। हाँ, भूख लगी है। सुनो सब लोग, तुम सब लोग मिलकर शहर में इंदु के कॉलेज जाओ। वहाँ के किसी लड़के ने उसे प्यार में धोखा दिया है। दो दिन में उस लड़के को यहाँ उठा कर लाओ। जाओ। लेकर आता हूँ। अबे जूनियर आर्टिस्ट, तू यहाँ मामला सुधारने आया है या बिगाड़ने आया है? उस पहलवान को मिर्ची लगाने को तुझसे किसने कहा था? मैं शक्ल से क्या तुम्हें कॉमेडियन लगता हूँ? नकली बाबू तो क्या हुआ? तुमने मुझे पैसे दिए होंगे इस काम के लिए, पर आर्टिस्ट की भी इज्जत है। जूनियर आर्टिस्ट यार, यहाँ हो क्या रहा है? तुम शायद खुद को बहुत होशियार समझते होगे, पर अगर मैं अपना मुंह खोल दूं तो तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। तो भूलना मत, रिश्ते में हम तुम्हारे क्या लगते हैं? आई बाप, सॉरी शहनशाह, मैंने आपकी शान में गुस्सा किया। शहनशाह किसे बुला रहे हो? सॉरी डैडी। अब अकल ठिकाने आई, आज इसकी इज्जत करो। सर आपको देखकर मुझे मेरे बीते दिन याद आ गए, सेम टू सेम, है ना? पहले तो मैं भी लंबी रेस का घोड़ा हुआ करता था, पर अभी तो मार मार कर मुझे खच्चर बना दिया इन्होंने। ये कन्नू मलिक के भाई है, बिना ताल के बजाया जा रहा है। तुम भी मेरे जैसे कॉमेडियन लगते हो, तुम इसकी हालत भी मेरी जैसे ही करना, कॉमेडियन से ट्रेजेडी किंग बनना है। अरे जीजा जी, सगाई की तारीख नजदीक आ गई है, इन सब लोगों को शहर ले जाकर जरा कुछ कपड़े लत्ते दिलवा दीजिए। आप चिंता क्यों करते हैं, मैं हूं ना। तुझे लाइसेंस किसने दिया स्टूपिड? उसने भाई की चुम्मी ली। दोनों की शादी होने वाली है, चुम्मी ली तो क्या हुआ? ये चुम्मी बाई वाली ने नहीं, दाई वाली ने ली। तुम्हें कैसे पता चला? शीशे में देखा। शीशे में दाया बाया और बाया दाया होता है, वाकई स्टूपिड है। चल आगे बढ़। अरे भैया मैं तो घबरा गया था। अच्छा वो बाएं से चुम्मी आई, अगर दाएं से चुम्मी आती तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। उसका बाप तो टार्जन का भी बाप है। ये दाया माया भूल जा, तूने उस शीशे में किसे देखा था? वही तो मुझसे गलती, मैंने इंदु को देखा था। वो सच में इंदु ही थी। तू सिर्फ नाम का ही नहीं, काम का भी कृष्णा है। भूमि और इंदु डर नहीं लगता? मैं फिक्र क्यों करूं, तू है ना संभालने के लिए। तुमने तो मुझे बलि का बकरा बना रखा है। गधा नहीं मिला ना इसलिए। लेफ्ट साइड वाली निकालो, बहू के लिए कितनी चाहिए? दो ही लेनी है। ओके बीवी। क्या है बीवी? बोलिए जी। तुम 20 ले लो। जैसा आप कहें स्वामी। क्या देख रहे हो, क्या हुआ बता, दूल्हे के लिए कितना ले? कृष्णा से मैं उसका बाप हूँ, मुझसे पूछो, ये नहीं मैं बताऊंगा। उसके लिए 3 ले लो। तो आपके लिए 30। तुम ऐसा करोगे तो मैं भिखारी हो जाऊंगा। यार दूल्हा मैं नहीं, वो है। तुमने एक गलती पर मेरी बैंड बजाई थी, इस कमीने का क्या होगा? ये कितने की है मौसी? मौसी, अरे चिल्ला क्यों रही हो? मौसी ये साड़ी कैसी लग रही है? इस साड़ी की जरी अच्छी है ना? साड़ी तो अच्छी है, पहनने वाली खराब लग रही है।
पता क्रिश, तुम्हारी बातों से लगता है कि पुरानी पहचान है। भैया ऐसे ही है, बिल्कुल कृष्ण कन्हैया। ये तो भैया की आदत है, चोर चुईट। किसी को कुछ बोलना हो बगैर सोचे मुंह पर बोल देते हैं। ये कपड़े को खराब बोलने के बजाय तुम्हें बोल बैठे है ना भैया। तुम साड़ी के बारे में पूछ रही थी, ये साड़ी बहुत ही बुरी है इंदू, तुम इसमें बिल्कुल ही डायन लगोगी। मैंने कुछ गलत बोला क्या? मैं तुम्हारी टेंशन समझ सकता हूँ दोस्त। ये पैकेट किनारे कर दो। इसकी तो क्या हुआ डैडी? यस डैडी, चल जाके इसे ट्राई कर। लड़के के लिए अभी आप ही लेंगे? पड़ोसी का नहीं, मेरा बेटा है। सिलेक्शन मैंने किया है और पहनेगा ये। डायपर के टाइम से यही चल रहा है। चलो डैडी। तुम यहाँ क्यों घुस रही हो? तुम्हारी तो क्या कह रहे थे, पहनने वाली खराब लगेगी। क्या रे, एसी में पसीने छूट रहे, पेट में गड़बड़ है। सॉरी डैडी, मैं ट्राई करके आता हूँ, बस एक मिनट दीजिए। अब पता चला मेरे चेहरे पे इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं? मेरे पसीने कहीं और से छूट रहे हैं। तुमने अभी तक तो कुछ नहीं देखा, अंडरवेयर टाइट कर लो। पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। टेंशन हो गया। ओके।